बजट को कांग्रेस ने भी निराशाजनक और खोखले वादों का चिट्ठा करार दिया है। शनिवार शाम लखनऊ के हजरतगंज में जीपीओ पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि बजट में सरकार ने न तो किसानों के लिए कुछ किया और न ही युवाओं का ध्यान रखा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने इसे चू चू का मुरब्बा बताया। लल्लू ने कहा कि जब बजट नौजवान किसान विरोधी है। लल्लू ने कहा कि पहले रेलवे बेचा और अब बैंक और अब सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने की घोषणा। वहीं जनता की गाढ़ी कमाई से बने LIC IDBI को बेचने की घोषणा। भारत के इतिहास को काला यूपीए की सरकार थी उस समय भी आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने इस कंपनी को देने का काम किया था। इनका सोच था कि ये PSU की कंपनियां आगे बढ़े ताकि देश में नौजवानों को रोजगार मिल सके। लगभग 35 से 40 बरस इनकी आयु उम्र सीमा होगी और इनको यह कहना, दबाव बनाना, BRS के लिए दबाव बनाना निश्चित रूप से देश के लिए एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हजारों कर्मचारी बेघर होने की स्थिति में है, लाखों परिवार बेघर होने की स्थिति में है। इन विषय और मुद्दों को लेकर जो इनका आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है, इनकी आवाज़ बनेगी, सड़क पर भी लड़ेंगे और सदन में भी मजबूती के साथ इसको उठाएंगे।